ओके थोड़ा ज़्यादा हो गया। The Bluetooth device is ready to pair. Black top, big t-shirt, Billy. घर में चिंटू लिफ्ट खराब है क्या? दरवाजा रुक क्यों नहीं रहा? ओ, रुक गए क्या? रुक गए। ओए छपरी भाई, इसको दर्द नहीं हुआ क्या? जरा भी नहीं चिल्लाया। एक्चुअली वो अपने मन में चिल्ला रहा है, बट वो दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। भाई साहब आप ठीक तो है ना? भाई साहब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मेरा हाथ फंस गया था इस लिफ्ट के अंदर क्योंकि इस चपड़ गंजू ने लिफ्ट का दरवाजा रोका नहीं। मैंने नहीं रोका। कितना झूठ बोलता है, पूरा टाइम खाली फोन में घुसे रहते हैं आजकल के बच्चे। खुद भी तो वही कर रहा है। किसी की परवाह नहीं करती आजकल की ये क्या कहते हैं उसे, गंजी जनरेशन। गंजी? ओके, पहली बात जेन जी होता है वो भाई साहब, और दूसरी बात मुझे तो पता भी नहीं था आप लिफ्ट में घुसने वाले। है तो आज हम जाने वाले हैं मेरे दादाजी की मैयत पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने खास कर इस इवेंट के लिए, इवेंट मैयत को इवेंट कौन बोलता है, एयर जॉर्डन के नए जूते लिए हैं। हाँ। और व्हाइट कलर इसलिए लिए हैं क्योंकि मैचिंग मैचिंग होनी चाहिए ना ड्रेस कोड के साथ। ऐसे क्या देख रहा है भाई? हाँ जी कुछ नहीं। अच्छा, शाउट आउट चाहिए? शाउट आउट नहीं, मुझे शाउट आउट नहीं चाहिए। क्या नाम बताया अपना? रोहित। हाँ तो जल्दी बोलो ना, इतना फुटेज क्यों खा रहा है? तो गाइस देखो, फिर से मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिल गया। बेचारा जानता भी नहीं इसको। मतलब ये फेमस होना भी कितना मुश्किल है यार, लोग कहीं भी पहचान लेते हैं। क्या नाम है वैसे आपका भाई? तो गाइस बने रहिए इस व्लॉग के आखिरी तक, काफी मजा आने वाला है आज के इवेंट में। हम सब साथ में मिलकर रोएंगे। साथ में रोएंगे? अब क्या लाइव स्ट्रीम भी करेगा उधर से? भाई शाउट आउट। थैंक यू फॉर द 40 रुपीज धर्मेंद्र चड्ढा। आप कमेंट सेक्शन में रोने वाला इमोजी डालकर बताना आप लोगों ने कितना रोया। हे भगवान, क्योंकि दादाजी के जाने के बाद मेरी दादी अकेली पड़ गई है, तो इसीलिए उनको खुश करने के लिए आज इस ब्लॉग के एंड में मैं उनको एक स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूँ। क्या हो गया भाई? आप ये जानबूझ के कर रहे हो क्या? क्या जानबूझ के कर रहा हूँ? यही जो बकवास किया जा रहे हो आप तब से। आई मीन आई रिस्पेक्ट योर कंसर्न फॉर वुमेन प्लेजर, बट वाइब्रेटर कौन गिफ्ट करता है मैयत पे, और वो भी दादी को? दादियाँ खुद वाइब्रेशन में रहती है हमेशा, और ऊपर से आप ये सब व्लॉग में दिखा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। एज अ यूट्यूबर आपको फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट बनाना चाहिए। ए, यूट्यूबर मैं हूँ कि तू है? गैरी मिनाटे की तरह गाली थोड़ी ना दे रहा हूँ, मुझे मन से कहा चल। यूट्यूबर मैं हूँ कि तू है? मुझे मन से कहा चल। वेल मैं तो ना सहती। खवंडी कहीं का, खुद को समझता क्या है? मिची मिची की बोल तो ऐसा रहा जैसे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा है। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग काफी करीब हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने के लिए। एंड या जस्ट लाइक दैट आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन YouTube एंड हियर आई एम विद ओवर 8,000 फकिंग सब्सक्राइबर्स। ठीक है ना यार, बेचारा मेहनत ही तो कर रहा है। शुरुआत तो मैंने भी ऐसे ही की थी, थोड़ा बहुत तो चलता है यार।
घमंडी नहीं बोलना चाहिए मुझे। ए, तुमको सेल्फी चाहिए क्या मेरे साथ? घमंडी कहीं का। नए नए शिफ्ट हुए हो? जी। कौन से फ्लोर में रहते हो? जी 25। अच्छा अच्छा। तन्मय भट्ट को जानते हो? तन्मय भट्ट? अरे वो AIB FIR। हाँ मैं जानता हूँ वो कौन है। देखता हूँ मैं उनके वीडियोस। उसको व्लॉगिंग किसने सिखाई? किसने? आपने? हाँ, बचपन का दोस्त है मेरा। मैं बोला उसको कितना पबजी खेलेगा, थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह करना सीख ले मेरे से। हैं, क्या बात कर रहे हो, सच्ची? हाँ, आज देखो कहाँ पहुँच गया। वही तो, आपसे सीख के आपसे ही आगे निकल गया। बताओ बस, क्या तुमको कभी सेल्फी वगैरह चाहिए होगा ना तन्मय भट्ट के साथ? जी। मेरे बस एक फोन कर देना, एकदम जिगरी दोस्त है मेरा। लिफ्ट में नेटवर्क मिल कैसे रहा है? देख लिया क्या इसने? नहीं देखा, नहीं देखा। काट दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, काट दूंगा तो बुरा मान जाएंगे, पर मैं उठा भी तो नहीं सकता। फक इट, लिफ्ट से निकल के बात कर लूंगा। अरे बचपन में एक दूसरे की चड्डी में हाथ डाल के कसमें खाया करते थे हम। एक्चुअली फोन उठा लेना चाहिए था मुझे और इसके मुंह में घुसेड़ देना चाहिए था। ये लिफ्ट 10 मिनट से ऊपर ही जा रही है क्या? हेलो तन्मय भाई, कैसे हो? तुमने मेरा कॉल काटा क्या अभी? नहीं तो मैं आपका कॉल क्यों काटूंगा। मतलब मैं वो थोड़ा बिजी, मतलब फंसा हुआ हूँ। अच्छा, बिजी, राइट राइट राइट। बहुत बड़ा आदमी हो गया ना तू, हाँ? RG बकेट लिस्ट? अरे नहीं तन्मय भाई, आप गलत समझ रहे हो। आपके आगे कोई बोल सकता है क्या? चुप कर। पुराने जोक्स मारता है। सुन मेरी बात, अगर आज के बाद मेरा कॉल काटा ना तो मैं तेरे वीडियोस पे रिएक्ट करूंगा और उस पे हंसूंगा भी नहीं, समझा? हाँ मैं समझ गया, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ ना, आराम से बैठ के। डोंट यू डेयर कट माय कॉल एवर, डू यू नो हु आई एम? आई एम ऑल एशिया। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, टॉक टू लेटर, बाय। कि ब्लॉगिंग किसने सिखाई उसको? अरे आज भी मेरे व्लॉग्स देख के कॉपी करने की कोशिश करता है। और मैंने जो बोला अभी तक फेंक ही रहा है ये, तो बोलता है कि इंस्पिरेशन ले रहा था। चुप हो जा नीरज चोपड़ा की औलाद। क्या बोला? अब कुछ नहीं, मैं बस कह रहा था कि आपने कभी जैवलिन थ्रो ट्राई किया है? हाँ वही गेम ना जिसमें लंबा फेंकना होता है। तन्मय भट्ट को जानते हो? उसको व्लॉगिंग किसने सिखाई, थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह करना सीख ले मेरे से, बचपन का दोस्त है मेरा। ए, मजाक उड़ा रहा है मेरा? हाँ नहीं मैं तो बस मजाक कर। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ उठना बैठना है मेरा, समझा? अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। छोटा यूट्यूबर हूँ समझ के हंस मत। नहीं मैं उस बात पे नहीं हंस रहा था आप पे भाई साहब। तो मैं क्या चूतिया हूँ? हाँ ए, मैं हूँ चूतिया, मुझे नहीं हंसना चाहिए था आप पे, गलती हो गई मुझसे, सॉरी। तो खुद यूट्यूबर होता ना तब पता चलता तेरे को कितनी घिसानी पड़ती है। जी सॉरी, पता नहीं था मुझे। अब मेरा फ्लोर आ गया, मैं चलता हूँ, आगे से नहीं हंसूंगा, सॉरी। ठीक है ठीक है, चल निकल, आगे से दांत ही नहीं बचेंगे, कहाँ से हंसेगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ उठना बैठना है मेरा, समझा? तू खुद यूट्यूबर होता ना तब पता चलता तेरे को कितनी घिसानी पड़ती है। जी सॉरी, पता नहीं था मुझे। सब्सक्राइब करो आजी बकेट लिस्ट। चलता हूँ। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट जाने से पहले जस्ट अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माय फेलो वॉइस आर्टिस्ट। हाय, मैं हूँ राजेश कवा,
वॉइस एक्टर, आपने मुझे हैरी पॉटर से लेकर स्क्विड गेम के हीरो तक सुना, आपने सास्के उचीहा, आपका ही मैं ब्रोली एंड्रॉइड 17 और आप ही का मैं दोपिंदर फ्रॉम डेड टू, ढेर सारे किरदार आपने जो प्यार दिया है। लेकिन आज जो आरजी के साथ हमने ये वीडियो में काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, और इनका विजन, इनकी राइटिंग है, मतलब स्क्रिप्ट है, और इनका डायरेक्शन, मेरे लिए डायरेक्शन मायने रखता है क्योंकि आई एम डायरेक्टर साहब। तो इन्होंने जो मुझे बहुत विजन क्लियर था डायरेक्ट किया, मज़ा आ गया। तो ये किरदार देख के आपको कैसा लगा, ये हमारे लिए मायने रखता है। Also, shout out to my channel members, and last but not least, thank you so much, Tanmay bhai, for giving a cameo in this video. Love you so much. So, milte hain agli video mein, tab tak ke liye, bye! Aur haan, maine Facebook page bhi khola hai, jaake follow kar lena.